नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले 7 देशों के बारे में। टोक्यो ओलंपिक में कुल 205 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें कुछ देशों ने पदक जीतकर अपने देश का नाम को उभारा है। इस लिस्ट में भारत भी शामिल है। भारत इस लिस्ट में कितने नंबर पर है, तो आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि टॉप 7 की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट को गोल्ड मेडल के आधार पर बताया जा रहा है। नंबर 7, 7वें स्थान पर 36 मेडल के साथ नीदरलैंड रहा, जिसमें 14 ब्रांज मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 10 गोल्ड मेडल भी शामिल है। नंबर 6, 46 मेडल के साथ ऑस्ट्रेलिया 6वें नंबर पर रहा, जिसमें 22 ब्रांज मेडल, 7 सिल्वर मेडल और 17 गोल्ड मेडल शामिल है। इसके बाद नंबर 5, 71 मेडल के साथ ROC यानी कि रूस 5वें स्थान पर रहा, जिसमें 23 ब्रांज मेडल, 28 सिल्वर मेडल और 20 गोल्ड मेडल भी शामिल है। इसके बाद नंबर 4, 65 मेडल के साथ इंग्लैंड 4थे स्थान पर रहा, जिसमें 22 ब्रांज मेडल, 21 सिल्वर मेडल और 22 गोल्ड मेडल भी शामिल है। इसके बाद नंबर 3, जापान सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले देशों में तीसरे स्थान पर रहा। जापान के खिलाड़ियों ने टोटल 58 मेडल जीते, जिसमें 17 ब्रांज मेडल, 14 सिल्वर मेडल व 27 गोल्ड मेडल शामिल है। फिर नंबर 2, हमारे पड़ोसी देश चीन दूसरे नंबर पर। चीन ने कुल 88 मेडल जीते, जिसमें 18 ब्रांज मेडल, 32 सिल्वर मेडल और 38 गोल्ड मेडल भी शामिल है। इसके बाद नंबर 1, पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका कुल 113 मेडल के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। अमेरिका ने 33 ब्रांज मेडल, 41 सिल्वर मेडल और 39 गोल्ड मेडल जीते हैं। बात करें भारत की, तो भारत टोक्यो ओलंपिक में मेडल की लिस्ट में 48वें स्थान पर रहा। भारत ने कुल मेडल जीते हैं, जिसमें 4 ब्रांज मेडल, 2 सिल्वर मेडल व 1 गोल्ड मेडल भी शामिल है।